कि सिवान में मनाया गया पांचवा योग दिवस, जी हां आपको बताते चले, शहर के श्रीनगर स्थित मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में मनाया गया योग दिवस, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष ने योग किया। वहीं योग शिक्षक ने बताया, योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सिवान से अमन राज की रिपोर्ट। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और इसमें हमारा मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी मनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं कार्य लेक्चरर के रूप में योगा करता हूँ और मेरे जितने ये कार्यकर्ता लोग हैं ये शामिल हैं, छात्र लोग भी शामिल हैं इस योग में, और चाहते हैं कि इसको जीवन पद्धति के रूप में योग को अपनाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति इसको अगर अपनाता है तो बिना दवा के स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ की जीवन पद्धति में योग, इसे हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को जो आज योग से बहुत पीछे जा रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज के युवा पीढ़ियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि योग को नियमित रूप से अपनाएं। योग केवल शरीर का ही नहीं, मन और आत्मा के स्तर पर शरीर को अपनाना चाहिए इस योग को। और हम जितने योग पर, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से ग्रस्त है, तो मानसिक तनाव को दूर करने के योग एक बहुत सुलभ और सशक्त माध्यम है, जिससे हम अपने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक सारे रूप से इसका सुधार कर सकते हैं। अपने जीवन में इसको अपना करके योग को सुधार कर सकते हैं। योग की जो भी पद्धतियाँ हैं हमारे प्राचीन काल से आती रही हैं, ये प्राचीन काल में धीरे धीरे बीच में इसको लोग भूल गए, लेकिन इसे अब धीरे धीरे अपनाया जा रहा है, पूरा विश्व अपना रहे और युवा भी बढ़ चढ़ कर इसे लाभ ले रहा है।